बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामु अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। माई रिस्पेक्टेड ब्रदर एंड एल्डर्स इन इस्लाम, आई हैव बीन एडवाइज्ड टुडे टू गिव बयान इन उर्दू लैंग्वेज। मी नो प्रॉब्लम इंग्लिश, बट आई हैव बीन एडवाइज्ड। सो ब्रदर्स हु डोंट नो उर्दू लैंग्वेज, दे वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई से। द टॉपिक इज द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु डोंट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज, दे मे गो दैट कॉर्नर, ब्रदर विल ट्रांसलेट साइड बाई साइड, अदरवाइज ओके, मी नो प्रॉब्लम। सो आई अपोलोजाइज फॉर, आई हैव बीन एडवाइज्ड टू डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, बादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية। صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। रब्बी शराहली सदरी व यस्सरली अमरी वहलुक्तम बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा। सुभानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत मुबारक तलावत की है, जिसका सादा सिंपल मानी ये है, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दीजिए उम्मत को, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, तो मेरी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। रसूल अकरम की इत्तबा से क्या होगा, गुनाह माफ़ हो जाएंगे और अल्लाह ताला बहुत बड़े गफूर रहीम हैं। बड़ी तसकीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ या अल्लाह, बड़ी तसकीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद आ जाती है कांटों पे भी आराम के साथ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तसकीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद आ जाती है कांटों पे भी आराम के साथ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबे इलाही हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं, ऐसे महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसम ग्रामी मोहम्मद आपके दुनिया में जलवा फरोज होने से पहले किसी का नाम नहीं था। इस नाम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा और आपको ये नाम दिया गया। आसमानों में आपका नाम नामी इसम ग्रामी अहमद है, बहुत हमद करने वाला, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला, लेकिन ज़मीनों पर आपका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत तारीफ़ किया हुआ,
आप जानते हैं दुनिया में जितनी तारीफ आपके आने से पहले, बल्कि आने से पहले ही अंबिया अलैहिस्सलाम आपकी तारीफ कर रहे थे और आपकी उम्मत में आने की ख्वाहिश फरमा रहे थे। आपके श्री आबरी के बाद आज तक जितनी तारीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है किसी फर्द की नहीं हुई। देखो अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ आपका नाम जोड़ा है। अजान में देखें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। कलमा तैयबा देखें ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ ही कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह हमें जन्नत की गारंटी नहीं देता। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं होगा तो जन्नत में दाखला नामुमकिन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में नाम ले ले कर पुकारा है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने अलकाब के साथ या सिंह, या मुदस्सर, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा है। सुभान अल्लाह, आप महबूबे इलाही हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबे इंसान भी हैं, जिन्नात व इंसान के भी महबूब हैं। याद रखें इबादत की रूह, इबादत की रूह अतात इलाही है। इबादत की रूह अतात इलाही है और अतात इलाही की रूह अतात रसूल है और अतात रसूल की रूह इश्क़े रसूल है। सो इंसान कितनी मोहब्बत करते थे, सहाबा की जिंदगी देखिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत थी कि आपके मिशन में आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, हत्ता के टाट के कपड़े पहन पर आ गए, बबोल के कीटे कांटे लगे हुए थे, हत्ता के जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते वही लिबास पहने हुए थे। ये आप सब मोहब्बत थी, आपके मिशन आपके दीन से मोहब्बत थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ये कुर्बानी दी। और सहाबा कराम देखें, एक दफ़ा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह मेरे यहाँ आपकी दावत है। आपने फरमाया जी को दावत का करना भी सुन्नत है और दावत का कबूल करना भी सुन्नत है। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं उनके घर की तरफ और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पीछे पीछे खरामा खरामा चल रहे हैं और आपके कदम मुबारक गिन रहे हैं। जो ही आप घर पहुँचे तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1,000 कदम थे, 2,000 कदम थे, इतने हज़ारों ग़ुलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी में आपने आज़ाद फरमा दिए। यह है मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें रहे खामी तो ईमान नामुकम्मल है। सहाबा को इतनी मोहब्बत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हिजरत की रात, ये मामूली बात नहीं है, अपने आप को यानी मौत की चारपाई पे लटा देना। हज़रत अली करम अल्लाह वजहो ने आपके चारपाई पे लेटना कबूल कर लिया। बहुत हमला करने वाले थे लेकिन अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की
और आपकी चारपाई पर लेट गए रात को, हिजरत की रात। सहाबियात की क्या कुर्बानियाँ थी, सहाबियात की क्या क्या कुर्बानियाँ थी। एक सहाबिया उहद के अंदर अपने छोटे मासूम दूध पीते बच्चे को लेकर हाजिर हुई, या रसूलुल्लाह मेरे बच्चे को आप कबूल फरमाएं, जहाद में मेरे बच्चे का कबूल फरमाएं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान, अरे अल्लाह की बंदी, आप मुझे बच्चा दे रही हो, क्या इसके बेबी सिटिंग करूँगा या जहाद करूँगा। उनका नहीं यार सुल्ला कबूल फरमाएं, जब जालम आप पर हमला करें तो आप मेरे बेटे को बतौर ढाल इस्तेमाल करें। ये औरतों की मोहब्बत थी। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहा, बा सहाबा, तो सुबह सवेरे आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर मुबारक के बाहर बैठ जाते थे कि सबसे पहला मैं चेहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं। ये मोहब्बत की शाने हैं, सहाबा को कितनी कुर्बानियाँ दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा एक जंग में आपकी जो टोपी मुबारक थी वो गिर गई। अब आपने पूरी हिम्मत से वो टोपी ढूंढी, क्यों? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की टोपी के अंदर हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक था, जिसकी बरकत से आपको कभी शिकस्त नहीं होती थी। टोपी गिरी और हिम्मत से ढूंढी हमले करके, और टोपी मिल गई और सब पर पहन ली। अरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी मोहब्बत थी, फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं, मुझे कफन पहना दिया जाए, तो मेरी आँखों के ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रख देना। क्योंकि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत करते थे, बाल कटवाते थे, सहाबा कराम कोई बाल भी नीचे गिरने नहीं देते थे और उनको महफूज कर लेते थे। सुभानअल्लाह, यह है मोहब्बत। आइए, ये तो सहाबा कराम हैं, ये तो इंसान हैं, ये तो जिन हैं, बल्कि आप से मोहब्बत जमादात को भी थी, जिनके अंदर रूह नहीं होती। तो आमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालदा माजदा, जब आप उनके यहाँ, अल्लाह का फजल था, आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो वो अपने मेके जब जाती तो रास्ते में चटाने नबी को पहचान रही थी, असलातो व सलामो अली का या रसूलल्लाह चटाने कहती थी, चटान पहचान रही नबी को। काश यहाँ भी नबी को पहचाने। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के पास एक पत्थर था, जब आप गुजरते वहाँ से तो वो पत्थर जो था हमेशा जब आप गुजरते सल्लल्लाहो, जब हजूर का नाम सुने प्लीज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह वाजिब है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि यह वाजिब है कहना। हमें अबू निफा के हक एक दफा दीदी कहना वाजिब है, फिर मुस्तहब है, सवाब का काम है। 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जा बुलंद होते हैं एक दफा कहने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हालत थी जमादात की। हैवानात सुने, हैवानात को भी आपसे मोहब्बत थी, हैवानात को भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। हजरतुल विदा में
आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी, 70 ऊंटों की कुर्बानी आपने अपने दस्ते मुबारक से दी, और बाकी 30 की कुर्बानी हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ने दी। अब क्या आलम था अजीब, हम कुर्बानी करें ऊंटों की, अगर हम कुर्बानी करें ऊंटों की या गाय की या भैंस की या मेंढे की, तो हमसे काबू नहीं आते, दो दो चार चार आदमी पकड़ते हैं फिर कुर्बानी करते हैं। लेकिन यहाँ यह मंजर था तो ये 70 जो ऊँट थे, 100 ऊँट थे, हर ऊँट अपने आप को पहले पेश करना चाहता था, या रसूलल्लाह मेरी कुर्बानी करें। ऊँट पहचान रहा है नबी को, ऊँट नबी को पहचान रहा है, काश के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम भी पहचान लें। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को आपसे मोहब्बत बहुत थी। मऊद और माज दो भाई थे और उहद का मैदान था, उनका यार सुल्ला हमें जहाद में जाना है। हजूर सर से फरमाया, भाई आप छोटी उम्र के हो, क्या करोगे जाकर? लेकिन नहीं, इतना शौक था। वो कहते थे हम बच्चे कहते थे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अबू जहल को जिंदा, क्यों? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको अबू जहल गालियां निकाले और वो जिंदा रहे। लिहाजा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौक की बिना पर, भाई 14 साल उम्र थी, 13 साल उम्र थी, आपने उनको इजाज़त फरमा दी। अब तलवारें तो दी, अब तलवारों के क्या हुआ, तलवारें लटक रही थी, जब वो चलते थे तलवार लंबी थी, वो साथ साथ घिसटती थी। महाराज मैदान कारजार में क्या हुआ फिर, ये बदर का मैदान था, कारजार में क्या हुआ, एक भाई ने उसके घोड़े की कौचें टांगे काट दी, वो गिरा, दूसरे भाई ने भागकर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। क्योंकि अबू जहल का तवक्को नहीं थी कि ये बच्चे हमला करेंगे, इसे उसे तवज्जो नहीं थी, अल्लाह अकबर, उसे तवज्जो नहीं थी। लेकिन अपने मिशन में ये दोनों प्यारे बच्चे सहाबी थे, ये कामयाब हो गए। ये थी बच्चों की हजूर से मोहब्बत। आगे चलिए, अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हो छोटे बच्चे थे, जब अजान मस्जिद नबवी में होती वो नकल उतारता था, बच्चा था नकल उतारता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ा और उसके सर पर ऐसे हाथ रखा, उसके बालों पर हाथ फेरा, बच्चा बड़ा हुआ, ज़ाहिर मुसलमान हो गया, उसके बाल ये बढ़ते रहे, क्योंकि बालों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते मुबारक फिरा हुआ था। तो अबू महजूरा ने सारी ज़िंदगी इन बालों को नहीं कतरा, बल्कि वो बाल इतने लंबे हो गए कि पौ तक आते थे, जिन बालों के ऊपर मेरे प्यारे नबीब का हाथ लगा हो, दस्ते मुबारक लगा हो, मैं उसको कैसे काटने की जरूरत कर सकता हूँ। अजीब, ये बच्चों की मोहब्बत थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। काश कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें और इश्क़े रसूल पैदा करें और वो हमारी भी ऐसी ही इज्जत आबरू करें। इसी तरह हमारे अकाबरीन, हमारे आइम्मा को कितनी मोहब्बत थी।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह कभी मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं गए जब तक हयात रहे हैं। जब तक हयात रहे हैं इमाम मालिक बाहर नहीं गए। वो नहीं चाहते थे कि मेरी मौत मदीना के बाहर आए। इतनी मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत थी। अजब चीज है शाह, अजब चीज है इश्क शाह मदीना, अजब चीज है इश्क शाह मदीना, यही तो है इश्क हकीकी का जीना। अजब चीज है इश्क शाह मदीना, यही तो है इश्क हकीकी का जीना। है मामूर इस इश्क से जिसका सीना, है मामूर इस इश्क से जिसका सीना, उसी का है जीना उसी का है मरना। अल्लाह ताला इश्क रसूल हमें अता फरमाए, आमीन। ये हालत थी। देखिए हजरत हुसैन और मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल मस्जिद नबी में दरस हदीस दिया है। तो आपने कई बार हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजा शरीफ में अपनी दाढ़ी मुबारक से झाड़ू दिया है। आइए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनकी मोहब्बत का क्या शान थी। आपने कभी मदीना मुनव्वरा की हाजिरी में, मदीना मुनव्वरा की हदूद में रफाए हाजत नहीं की। खाते कम थे और जाते बाहर महसूस होता हदूद मदीना से बाहर जाकर फारग फरमाते थे। लिहाजा मदीना मुनव्वरा में कम से कम ठहरते थे, कहीं अदब में गुस्सा ही ना हो जाए। यह है अदब रसूल, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। आइए हम इश्क रसूल मोहब्बत रसूल कैसे पैदा करें, वरना हम तो आजकल क्या हैं, हम तो हलवा खाने वाले मजनू हैं। नबी की तारीफ नबी की मोहब्बत लिप सर्विस पर है, असल मोहब्बत की गवाही जो है आपके सुन्नत मुतहरा पर अमल करना है। जितना कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पर अमल करता है उतना ही वो नबी का बड़ा आशिक है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। जितनी अतात रसूल होगी उतनी अतात अल्लाही होगी, जितनी अतात रसूल होगी उतनी हुब रसूल होगी, जितनी अतात अल्लाही होगी उतनी अतात हुब इलाही होगी, और तभी उसके मुताबिक मोहब्बत का जो इश्क का सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है अतात के मुताबिक। अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल और उलिल अमर मिनकुम, से नबी की अतात की उसने अल्लाह ताला की अतात की। आइए चंद एक गुजारशात है कि इश्क रसूल कैसे पैदा कर सकते हैं। नंबर वन, विश हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नबी की अतात ज़िंदगी के हर शोबे में करें। ज़िंदगी के हर शोबे में हुज़ूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करें और उस पर अमल करें। हुज़ूर नंबर दो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समान हयात बायोग्राफी सीरत इसका मुताला करें।
कई नावल पढ़ लिए लेकिन सीरत रसूल का मुताला नहीं किया। सीरत रसूल का मुताला करें। और शमाइल तिर्मिज़ी एक किताब है, उसमें हजूर के आदात मुबारक लिखी हुई हैं। आप आदात मुबारक आदात मुबारक आपकी वो अपनाएं। जो नबी का फ़िक्र था वो हमारा फ़िक्र होना चाहिए। नबी का जो गम था वो हमारा गम होना चाहिए। नबी का गम क्या था कि एक एक इंसान क़यामत तक आने वाला एक एक इंसान जहन्नम की आग से बच जाए। लिहाजा जो मेहनतें इस ज़िमन में दीन के फैलाने में मसाजिद में खानकाहों में मवाइज में तबलीगी जमात के सिलसिले में इसना है इकना है जितनी तहरीकें जो मस्बत तहरीकें हैं जो इस्लाम फैलाने में कोशिश कर रही हैं, हमारा काम है उनमें उनके साथ हसब तौफीक तआमल करना और हसब तौफीक उनमें तआमल करना और उसमें हिस्सा लेना। इससे इश्के रसूल पैदा होगा। क्या नबी का गम में हम शरीक होंगे तो इश्के रसूल पैदा होगा। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात कुदूस से दुआ करें कि या अल्लाह हमें अपने नबी की पूरी पूरी अतात अपनी ज़ात की पूरी पूरी अतात करने की तौफीक अता फरमाए और हुब्बे रसूल अता फरमाए। या अल्लाह हुब्बे रसूल अता फरमा अपने हुब्बे अलाही अता फरमा। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर शुक्र कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अजान दे दो भाई, अजान दो ना, फिर अजान देनी चाहिए। और वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं माशाल्लाह।